सरैया पंचायत के ग्रामीणों ने जल नल के लिए किया प्रदर्शन। वार्ड सदस्य का आरोप, मुखिया फाइल पर नहीं कर रहा है हस्ताक्षर। न्यूज 9 टाइम्स से संतोष कुमार बर्नवाल की रिपोर्ट। बैरिया प्रखंड के सिसवा सरैया पंचायत में वार्ड नंबर 9 के ग्रामीणों ने जल नल योजना न होने के कारण किया आक्रोश प्रदर्शन। ग्रामीणों ने बताया कि पंचायत के सभी वार्डों में जल नल से स्वच्छ पानी की आपूर्ति की जा रही है, परंतु हम लोगों के साथ स्थानीय वार्ड सौतेला व्यवहार कर रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रमोद प्रसाद कुशवाहा है। किस पंचायत में घर हुआ? सिसवा सरैया पंचायत वार्ड नंबर 9। क्या समस्या है आप लोग? यहाँ पर नल जल नहीं है। क्यों? रोड नहीं बन रहा है। नल जल क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? हम लोग तो वार्ड से लड़ते हैं, वार्ड बताए कि काहे नहीं हो रहा है। इस संदर्भ में मुखिया से कभी आप नहीं बोले कि हमारे? बोला गया है। मुखिया जी ने क्या जवाब दिया? मुखिया जी बोले कि यहाँ लगेगा। आपने कितना बार अपने स्थानीय वार्ड और मुखिया से नल जल के लिए गुहार लगाया? वार्ड से तो, वार्ड तो नज़दीक में है, तो वार्ड से तो कितने बार हम लोग कहें। उसके बाद मुखिया जी के भी पास हम लोग गए तो बताए कि ये नल जल नहीं बन, हम लोग के वार्ड एथी वार्ड में है, तो मुखिया जी बोले कि जी हाँ हो जाएगा। उसके बाद में फिर नहीं हुआ। उसके बाद में हम लोग फिर वार्ड से हम लोग कहे तो वार्ड बोल रहे हैं कि जी मुखिया जी साइन नहीं कर रहे हैं। का नाम है? भरत महतो। कौन पंचायत में घर बैठे? सिसवा सरैया वार्ड नंबर 9। क्या समस्या पर बोले? हम समस्या यही वजह हम लोग के यहाँ जल नल नहीं बन रहा है, तो वार्ड से पूछते हैं लो तो कह रहा है लो जी मुखिया नहीं कर रहा है, यह नहीं कर रहा है, तो दो चार आदमी हम तो नहीं गए हैं मुखिया के पास कहने के लिए, हम नहीं बोलते हैं नहीं गए हैं वहाँ, मैंने इन लोग गया है लोग कह रहा है जहाँ हो जाएगा, अभी तक नहीं हुआ। आपने इस संदर्भ में स्थानीय BDO या वरीय पदाधिकारी को सूचना दिया है? जी हम तो नहीं दिए हैं। और कोई ग्रामीण? ग्रामीण यही ना पूछ रहे हैं जी, गया है लो यही गया है लो पूछने के लिए, तो कहा जल जो बनेगा। आपका क्या नाम? मुन्ना गद्दी। अभी आप क्या हैं? वार्ड सदस्य हैं। कितना नंबर वार्ड? 9 नंबर वार्ड सदस्य। आपके वार्ड जो वासी हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि हम लोग अभी तक नल जल से वंचित हैं, आखिर कारण क्या है? सर उन लोगों का आरोप तो सही है, हम नल जल के लिए वहाँ कई बार मुखिया जी से मिले, पंचायत सचिव से मिले, BDO साहब से मिले, DDC सर से मिले, मुखिया जी उस पर हमारा फाइल पर दस्तखत नहीं कर रहे हैं। आखिर क्यों नहीं? अब उनका क्या कारण है अब तो वही बताएंगे क्या कारण है कि नहीं कर रहे हैं। इस संदर्भ में आप BDO सर से मिले? BDO सर से भी मिल चुके हैं सर, DDC सर से मिल चुके हैं। क्या आश्वासन क्या मिला? आश्वासन मिला कि हो जाएगा। DDC सर बताएं कि BDO से मिली, हम बोल दे रहे हैं, लेकिन BDO साहब के पास कम से कम 4-5 बार गए, कोई फायदा हमको नहीं मिला। DDC सर से बात किए, जिला पंचायत अधिकारी से खुद जाकर वहाँ मिले, तो वो भी बताएं कि ना BDO साहब से मिलो, फिर भी कोई हमको फायदा नहीं मिला वहाँ से। आप कितना दिन पहले DDC सर से मिले हुए? लगभग सर 2 महीना पहले मिले हैं। 2 महीना? 2 महीना पहले। अभी तक कोई कार्यवाही नहीं? कोई कार्यवाही नहीं हुआ सर। कुछ कारण बताइएगा कि आखिर मुखिया जी क्या क्यों नहीं सिग्नेचर कर रहे? अब उनका काम मन में है सर, हम तो नहीं बता सकते हैं। आपके वार्ड में कितने घर नल जल के लिए स्वीकृत किए गए हैं? 160 घर है सर। ऐसा मुखिया जी का आरोप है कि 40-50 है, हम सिग्नेचर 40-50 घरों के लिए क्यों करें? सर जब उनके पास हमारा फाइल गया था, जब सर्वे सूची उसमें लगाया गया था, तो उनको बताना चाहिए हमसे कि ये गलत है, वो गलत है, गलत सर्वे गलत किया है, और ऐसा नहीं है तो आते हैं हमारे यहाँ, देख लेते कि कौन गलत है, हमको बताते हैं। यही बात है सर। और दूसरा कि अभी तक तो हमारे यहाँ क्या कुछ नहीं करने देते हैं, ना करते हैं, हमारे नली गली वाले फाइल पर हमारा दस्तखत नहीं किए हैं, 4-5 फाइल हम तैयार किए हैं उसमें अभी तक वो भी दस्तखत नहीं किए हैं। सर आपका नाम? रंजीत कुमार झा। अभी स्थानीय मुखिया हुए? हाँ, सिसवा सरैया के अभी वर्तमान में मुखिया हैं। सर वार्ड नंबर 9 जी के वार्ड सदस्य द्वारा जी यह आरोप लगाया जा रहा है आप पर जी कि सर जल नल के जी किसी फाइल पे आप सिग्नेचर नहीं कर रहे हैं, सर आखिर कारण क्या है? देखिए वहाँ एक यूनिट हमने शुरू में एक जल नल का दे दिया है,
उसमें से जो आंशिक जो पार्ट टू बचा था उसमें 10 नंबर से सटा हुआ वो क्षेत्र था, जिसमें पदाधिकारी लोगों के द्वारा जेई वीडियो के द्वारा यह निर्देश मिला कि वो बाकी जो सटा हुआ 10 नंबर में है उसको 10 नंबर से काम करा दिया जाए वार्ड से, तो उसने करा दिया। अभी जो बचा हुआ जो पार्ट है वह बहुत ज़्यादा, अगर वह घर होगा तो 40-45 होगा, तो बीच में वो जाके एक आवेदन मेरे विरुद्ध दिया था बीडीओ साहब को, तो उनसे बात हुई पूर्व बीडीओ से, तो बुलाए तो हम गए, तो हमने कहा कि भाई हमको देने में कोई हर्जा नहीं है, बशर्ते आप उस रिकॉर्ड पर या अपने स्थान पर जाके आप उसका सर्वेक्षण कर ले कि ओरिजिनल कितना वहाँ आवास है, घर है। अगर आप आदेश करके देंगे तो हम लोग फाइल खोलने में कहीं उतरोज नहीं है, लेकिन किसी ने पदाधिकारी द्वारा उस पर आदेशित नहीं ले, जबकि हम लोगों को निर्देश मिला है कि पहला यूनिट है 100 घर पर, दूसरा है 150 पर, तीसरा है 200 पर, चौथा है 250 पर। तो हमने कहा कि जब ये 40-45 के अंदर में आ रहा है तो कोई बड़ी पदाधिकारी हमको आदेश दे दे कि इसका फाइल खोल के आप आगे का अग्रेतर कार्रवाई कराया जाए, तो किसी पदाधिकारी द्वारा अभी तक कोई दिशा निर्देश हमको नहीं दिया गया, इसीलिए 50-40 पर हम कोई यूनिट है नहीं। ऐसे में उसका एक और आरोप है, कोई गली नली का जो फाइल है उस पर भी आप सिग्नेचर नहीं कर रहे हैं। नहीं, गली नली वाला एक विधायक जी वो जो आपको बिकाऊ चौधरी के घर से या शिव मंदिर तक जाता है वह विधायक जी सैंक्शन कर चुके हैं, जिसमें काम भी लग चुका है। एक है आपको पसवान पट्टी में जो मेरा रिकॉर्ड खोल के उसमें काम शुरू होने जा रहा है। पंचायत के हर विभिन्न वार्डों में हमारे द्वारा भी काज कराया जाता है, जो हमारे योजना में वो लिया हुआ है, फाइल खुल गया है, केवल पंचायत सेवक के ट्रांसफ़र हो जाने के चलते वह कार्य अभी मैंने शुरू नहीं हुआ है, लेकिन रिकॉर्ड में वह काम खुल चुका है। आधार है, हम तो कार्य करने के लिए 17 वार्ड में हर में तत्पर रहते हैं। आरोप बेबुनियाद है, बेबुनियाद है, एकदम सरासर झूठ है, बेबुनियाद है। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को लाइक करें, और हाँ, YouTube पे बेल आइकन दबाना ना भूलें।